बसमल आज की वीडियो में हम इंग्लिश लिटरेचर में एंग्लो सेक्सन पीरियड को डिस्कस करने जा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसके सारे एस्पेक्ट्स को हम इसमें कवर करें तो स्टार्ट करते हैं नंबर वन पे हम इसको इस हिस्टोरिकली देखते हैं हिस्टोरिकल कंटेक्सट क्या है एंग्लो सैक्सन पीरियड का एंग्लो सैक्सन पीरियड को ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहा जाता है और यह पीरियड स्टार्ट होता है जर्मनिक ट्राइब्स के आने से इंग्लैंड में जर्मनिक ट्राइब्स के आने से ये पीरियड स्टार्ट होता है और वो ट्राइब्स का नाम थे एंगल्स सेक्सनस एंड जूट्स ठीक है और एंगल्स एंड सेक्सन के नाम पे इसका नाम बना एंग्लो सैक्सन टाइम पीरियड और ये कब का टाइम है फिफ्थ सेंचुरी का ब्रिटेन में बरतानिया में एंग्लो सैक्सन में काफ़ी सारे किंगडम में बात थे और जैसे कि वैक्सस है मरसिया है उम्ब्रिया है और इनका अपना एक कल्चर था अपना डायलेक्ट था यानी कि ये एक इलाके में कह लो एक मुल्क में कह लो एक जगह पे कह लो काफ़ी सारे मुख्तलिफ कल्चर्स के लोग आबाद थे उनके अपने बोलने के अंदाज़ थे उनके अपने डायलेक्ट्स थे उनका अपना कल्चर था और फिर उस टाइम पर क्या हुआ कि एट्थ और नाइन्थ सेंचुरी में वहाँ पर आ, हमले होने लगे बाहर की कौमों की तरफ से और इसने जो है ना एंग्लो सैक्सन जो किंगडम था उसकी स्टेबिलिटी को ख़राब किया और फिर ये जो पीरियड है एंग्लो सेक्सन का ये वन जीरो सिक्स सिक्स में नॉर्मन कॉन्टेस्ट जब हुई थी तो फिर उसके बाद ये पीरियड ख़त्म हो गया था यानी कि हिस्टोरिकली अगर आप देखो तो एंग्लो सेक्सन पीरियड को आप फिफ्थ सेंचुरी से लेके एट्थ एंड नाइन्थ सेंचुरी तक डिस्कस करते हो और उसके बाद फिर वन थाउजेंड सिक्सटी सिक्स में क्या हुआ था कि नॉर्मन कॉन्केस्ट हो गई थी यानी कि नॉर्मन ने आकर इस इलाके को फतह कर लिया था यहाँ पर कब्ज़ा कर लिया था तो फिर वहाँ पर एक दूसरा टाइम पीरियड शुरू हो जाता है हमने इस टाइम पीरियड को फिफ्थ सेंचुरी से ले नाइन्थ सेंचुरी तक हमने डिस्कस करना है और हमने देखा कि यहाँ पर मुख्तफ़ ट्राइब्स आकर आबाद हो गए थे उनके अपने कल्चर थे अपने डायलैक्ट्स थे और उन्हीं के नाम पर इस एज का नाम पड़ा सेक्सन एज या सेक्सन पीरियड अब यहाँ पर अगर हम कल्चरल इन्फ्लुएंस की बात करें तो ये जो सोसाइटी थी इसमें क्या होता था कि तरतीब थी आ, मतलब तबके बनाए गए थे आ, पहले किंग्स थे फिर नोबल्स थे अशराफिया जिसे हम कहते हैं फिर उसके बाद वॉरियर्स आ जाते हैं फिर उसके बाद कॉमन इंसान थे कैटेगरी वाइज डिस्कस किया जाता था कैटेगरी वाइज डील किया जाता था सबसे ऊपर का जो दर्जा था वो किंग्स का होता था फिर उसके बाद नोबल्स यानी कि जो अमीर तबका है फिर उसके बाद वॉरियर्स आ जाते हैं ठीक है थीके? फिर उसके बाद लास्ट में आम आदमी आता है और जो वॉरियर कल्चर है उसको बहुत ज़्यादा लिटरेचर में उस वक्त के लिटरेचर में डिस्कस किया जाता था उसकी उसको बड़ा बढ़ाइम्फ़ किया जाता था यानी कि अपने जो आकाओं से लॉयलिटी है वो उस टाइम पर बहुत वैल्यू रखती थी और उनके जो हीरोइक डीड्स थे जंगों वगैरह में उसको बहुत ज़्यादा लिटरेचर में डिस्कस किया जाता है अगर आप एंग्लो सेक्सन टाइम पीरियड के लिटरेचर को उठाते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा यही थीम मिलेगा और ऐसे जो वॉरियर्स थे जो कि किसी किंग या किसी बड़े आदमी के साथ रहा करते थे वो बड़ा की रोल प्ले करते थे सोसाइटी में भी और लिटरेचर में भी और इनको कहते हैं कॉमिटेटर्स और एक चीज़ हमें मिलती है इनके लिटरेचर में कि पैगन एलिमेंट पैगन एलिमेंट का मतलब है कि जिसे कहते हो आप खुदा पे यकीन रखने के बजाय और चीज़ों पर ज़्यादा यकीन रखना बेईमानी की हालत या कमज़ोर ईमानी की हालत आप इसको कह सकते हो तो यहाँ से हमें पता चलता है कि उनका सुपर नेचुरल चीज़ों में बिलीव बहुत ज़्यादा था तो उस टाइम की अगर हम लिटरेचर को उठाकर देखते हैं जैसे बीओवेल्फ है तो उसमें हमें इस तरह की फोसेस और इनकी डिस्कशन मिलती है जिससे हमें पता चलता है कि उस वक्त का जो कल्चर था उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी कि बेदीनीत ला दिनियत या खुदा पर यकीन उस टाइम पर इतना नहीं था तो इस पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि सोसाइटी के एस्पेक्ट्स थे यानी कि उसको डिवाइड किया गया था किंग्स अशराफिया फिर उसके बाद वॉरियर्स और फिर उसके बाद कॉमन इंसान और जो वॉरियर्स थे उनको बड़ी अहमियत हासिल थी लिटरेचर में यानी कि उस वक्त के हीरो हुआ करते थे और पैगन एलिमेंट हमें उनके कल्चर में मिलता यानी कि ला दिनियत थी वहाँ पर फिर एक टाइम आया वहाँ पर ट्रांजिशन टू करस्टचैनिटी अब हम इसको डिस्कस करते हैं सिक्सथ सेंचुरी के एंड में आके क्या हुआ कि लोगों ने क्रिश्चियनिटी में जाना शुरू कर दिया कैसे सेंट ऑगस्टिन वहाँ पर आ गया कैंटरबरी से और उसने क्या किया कि उसने एक मतलब पूरा मिशन चलाया जिस तरह क्रिश्चियंस का होता है कि अपनी तबलीग करना अपनी बातों को आगे पहुँचाना लोगों को क्रिश्चियनिटी में लेके आना तो जब उसने ये एक मुहिम आके चलाई तो फिर वहाँ के लोगों ने क्रिश्चियनिटी को आहिस्ता आहिस्ता कबूल करना शुरू कर दिया तो ये एक ट्रांज़िशन आई लादीनीत से क्या हुआ अब लोग क्रिश्चियनिटी की तरफ आने लग गए तो फिर उस टाइम का जो लिटरेचर है सिक्स सेंचुरी से ऑनवर्ड्स उसमें फिर हमें पैगन एलिमेंट के साथ साथ क्रिश्चियन एलिमेंट भी मिलते हैं जैसे कि द ड्रीम ऑफ द रोड जो है ये एक एग्जांपल है क्रिश्चियन थीम पॉइंट की और जो फिर चर्च आया फिर उसके मोनेस्ट्रीज आए वो फिर एक सेंटर बन गया लर्निंग का यानी कि चर्चज ने क्या किया कि सें अपने वहाँ पर पढ़ाई शुरू करा दी ठीक है रिलीजियसली उन्होंने चीज़ों को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया तो फिर उन उन्होंने जो है ना चीज़ों को फिर मैनस्क्रिप्ट वगैरह भी बनाई रिलीजियसली भी और वैसे भी फिर वो टेक्स्ट को वहाँ पर प्रिजर्व करने लग गए तो मोस्टली हमें इसी फॉर्म में मिलता है जो उस टाइम का टेक्स्ट है या लिटरेचर है जो वहाँ पर क्रिश्चियनिटी के आने के बाद ज़्यादा चीज़ों को प्रिजर्व किया गया था तो फिर अब ये जो ट्रांज़िशन आई क्रिस्चानिटी की इससे क्या हुआ कि एक ट्रांश इस ट्रांजिशन ने एक यूनिक सा फ्यूजन बना दिया कैसे कि अब क्रिस्चानिटी भी है और जर्मन इन्फ्लुएंस भी है जो वहाँ के पुराने ट्राइब्स हैं और इन दोनों ने मिला के फिर एंग्लो सैक्सन लिटरेचर में अपना जो उस टाइम का जो टाइम जो उनका लिटरेचर था उस पर अपना एक इम्पैक्ट डाला आगे हमारे पास आ जाता है लेगसी एंड इम्पैक्ट एंग्लो सैक्सन पीरियड ने इंग्लिश लिटरेचर कल्चर और लैंग्वेज की फाउंडेशन रखी है इस टाइम पीरियड को हम ओल्ड इंग्लिश का टाइम पीरियड कहते हैं ठीक है और फिर उसके बाद मिडल इंग्लिश का टाइम पीरियड आएगा आगे नॉर्मन कॉन्केस्ट के साथ लेकिन इस टाइम का जो है वो ओल्ड इंग्लिश है और बेसिकली इस टाइम पर जो भी मैनोस्क्रिप्ट वगैरह तैयार हुए कुछ औरल जिस तरह से लिटरेचर वगैरह स्टार्ट हुआ तो ये बेसिकली इंग्लिश लिटरेचर का स्टार्ट है बिगनिंग है और जो बहुत सारे ओल्ड इंग्लिश टेक्स्ट हैं उनको मैंने में प्रिजर्व किया गया था और ये इस टाइम की हमें लिटरेचर और कल्चर की इंसाइट देते हैं इस इस टाइम के लिटरेचर में अगर हम देखते हैं तो हमें हिरॉय या एलिजिक थीम्स ज़्यादा मिलते हैं हिरॉइक यानी बहादुरी वाले और एलिजी में ये होता है कि किसी की याद किसी की जुदाई में जो चीज़ लिखी जाती है उसको हम एलिजी कहते हैं तो ये वाला जो पीरियड है इसमें ये चीज़ हमें मिलती है और इसने इन्फ्लुएंस को काफ़ी अर्से इंग्लिश लिटरेचर को काफ़ी अरसे तक इन्फ्लुएंस किया तो बाद में भी हमें इस तरह के थीम आगे चल के मिलते हैं यानी कि एंग्लो सैक्सन एज ख़त्म होने के बाद भी दूसरी एज़ में कहीं ना कहीं हमें इस लिटरेचर का इम्पैक्ट मिलता है अब आ जाता है हमारा मेन टॉपिक इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से जो हमें डिस्कस करना है वो है लैंग्वेज एंड लिटरेचर अब जो ओल्ड इंग्लिश है वो क्या है जर्मनिक लैंग्वेज है ये बेसिकली जर्मनी ट्राइब्स थे मुख्तलिफ मैं आपको बता चुकी हूँ एंजल्स से, से, सेक्सनस और जूट्स और ये वहाँ पर आकर रहने लग गए थे और फिर वहाँ पर इनके वाइकिंग्स वग़ैरह के हमले हुए तो और भी कुछ कबीले आके रहने लगे थे बेसिकली इनका जो बेस बिलोंग है वो हमें जर्मनी से मिलती है ठीक है तो इनकी जो लैंग्वेज़ थी वो जर्मनिक लैंग्वेज़ थी ठीक है तो ओल्ड इंग्लिश जो है वो जर्मनिक लैंग्वेज ही है एक तरह से ये उस टाइम की प्राइमरी लैंग्वेज थी और इसमें क्या होता था कि कॉम्प्लेक्स इन्फ्लेक्शंस होते थे कॉम्प्लेक्स वैकेबलरी होती थी और वो किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होती थी जर मैनी नॉर्थ सोर्सेज यानी कि मुख्तलि किस्म के कबीले अपनी मुख्तलि ज़बानें लेके वहाँ पर आए अब उन्होंने आपस में इंटरेक्ट करने के लिए उन जबानों को ही मिला कर एक नई ज़बान बना ली जिसको हम ओल्ड इंग्लिश कहते हैं और एंग्लो सेक्सन एज में क्या था कि मैं आपको बता चुकी हूँ लिटरेचर जो था वो ओरल था कहानियाँ पोइम्स एक दूसरे को सुनाई जाती थी जिस तरह शाम को काम वाम करके सारे इकट्ठे होकर बैठ गए वहाँ पर बैठ के कोई ना कोई स्टोरी कोई ना कोई पोइम जो है वो सुना रहे हैं तो इस टाइम के जो मेन वर्क हैं उसको हम देख लेते हैं नंबर वन पे है ब्यो वुल्फ ये मोस्ट फेमस वर्क है एंग, एंग्लो सेक्सन टाइम पीरियड का ये एक एपिक पोइम है जो कि एक हीरो की स्टोरी सुनाती है ब्यो वल्फ उसका नाम है और उसकी जो बैटल्स है सुपर नेचुरल क्रिएचर्स के साथ ये उसको बताती है और इसको हम कॉर्नर स्टॉन कह सकते हैं ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में और इसके जो थीम्स हैं हीरोइज्म के हैं लॉयलिटी के हैं अच्छाई और बुराई में स्ट्रगल के हैं ये वाले थीम्स इसके अंदर पाए जाते हैं सेकंड पे जो हमें लिटरेचर uh, में ये मिलता है लिटरेरी वर्क वो है द ड्रीम ऑफ द रोड अब मैंने आपको बताया था कि क्रिस्चियनिटी का ट्रांजिशन आ गया था क्रिस्ानिटी आने लगी थी छठी सदी में तो उस टाइम पे फिर बाद में लिटरेचर में हमें कहीं ना कहीं क्रिस्टी का भी आंसर मिलने लग गया ये पोएम जो है क्रिश्चन एलिगरी है और ये बताती है क्रूसीफिकेशन की स्टोरी को किस तरह से क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया था और किसके प्रस्पेक्टिव से बताती है क्रॉस के प्रस्पेक्टिव से उस सूली के स्लीप के प्रस्पे, प्रस्पेक्टिव से बताती है कि किस तरह से अं, उनको क्रूसीफाई किया गया था और ये बहुत एक सिग्निफिकेंट वर्क है और ये हमें बताता है कि किस तरह से लादीनियत से लेके कर की क्रिस्ानिटी की तरफ एक ट्रांजिशन आई थी एंग्लो सैक्सन पीरियड में तो इस, इस एक वर्क से हमें यह पता चलता है क्योंकि पीछे हमने बीओवल्फ़ पढ़ा उसमें हमने सुपर नेचुरल चीज़ें और उसका उसके साथ बैटल देखी यहाँ पर हमें कहीं खुदा का आंसर नहीं मिला लेकिन अब जो जो दूसरा लिटरेरी वर्क हम देख रहे हैं यहाँ पर का आंसर क्रिस्ानिटी का आंसर मजहब दिखने लग गया तो यानी कि ये एक ट्रांजिशन बता रहा है कि कैसे लोग दुनिया से क्रिस्चानिटी की तरफ आए तीसरे नंबर पे यहाँ का जो एक इम्पोर्टेंट पीरियड है वो लिटरेरी वर्क है वो है एलिजे एक पोइम है जिसका नाम है सी फारर और ये एक्सप्लोर करता है थीम्स को एग्जाइल के लोनलीनेस के हार्शनेस ऑफ लाइफ के सी में यानी कि एक बंदा है वो समंदर का सफ़र कर रहा है और वो कैसे वहाँ पर जिलावतनी काट रहा है अकेलापन बर्दाश्त कर रहा है ज़िंदगी की तलखियों को बर्दाश्त कर रहा है तो ये बेसिकली एंग्लो सेक्सन टाइम पीरियड के जो सेलर्स थे उनकी जज्बात की अक्सी करता है अब अगला जो आ जाता है हमारे पास वर्क वो है दानर वांडर मतलब आवारा फिरने वाला घूमने वाला ये भी एक एलिजिक पोइम है ये फोकस करती है थीम ऑफ एक्जाइल को कि किस तरह से इंसान की जिला वतनी अपने वतन से दूर अपनी जगह से दूर हो इंसान कैसे एक वांडर बन जाता है और ये एक लोन सर्वाइवर की स्टोरी है वो अपना जो उसका किंगडम था उसका जो एक इलाका था वो फॉल हो गया उसका तो फिर वो वहाँ से किस तरह आइसोलेशन में भटक रहा है दर बदर ये वो उसकी स्टोरी इसमें बताई गई है अब आगे आ जाता है हमारे पास द बैटल ऑफ माल्डन ये एक एपिक पोइम है जो कि हिस्टोरिकल बैटल बताती है एंग्लो सेक्सन टाइम पीरियड में मैंने आपको बताया था कि वाइकिंग्स ने अटैक करना शुरू कर दिया था छठी सदी के बाद तो वो बैटल्स जो हुई हैं उनको ये बताता है और इसमें जो है उन्होंने अपने वॉरियर्स की जो सेक्रीफाइस हैं या उनकी बहादुरी है उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया हुआ अब ये जो अगला वर्क है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है मोस्टली ये एम वगैरह में पूछ लिया जाता है ये है कैडमंस हिम अच्छा ये हाइम नहीं होता हिम होता है अच्छा ये जो है इंग्लिश इंग्लिश में पूरा पहला पॉइंट पोइट माना जाता है कैडमन क्योंकि पिछला जितना भी वर्क हमने देखा देखें किसी में भी हमें राइटर का नाम नहीं पता क्योंकि एक तो उस टाइम पर जब लिखा जाता था ना तो बेनाम तरीके से लिखा जाता था दूसरा वो प्रिजर्व कितना था नहीं मोस्टली औरल होता था तो वो सुन सुन के सुन सुन के चीज़ें आगे पहुँच जाती थी मेन जो राइटर uh, होता था उसका पता ही नहीं होता था तो ये हमें पहला प्रोमिनंट राइटर मिलता है नाम के साथ इसका नाम है कैडमन और ये पहला इंग्लिश पोइट माना जाता है और इसने ये जो हिम लिखी थी ये अपने गॉड की प्रेज में लिखी थी और ये क्रिश्चियनिटी पोइट्री के अंदर आता है अब आगे आ जाता है एग्जिड बुक रिडल्स अब ये रिडल्स नाम से ही पता चल रहा है कि ये कोई पहेलियों की किताब है ये सिग्निफिकेंट uh, मैनोस्क्रप्ट है उस पीरियड का इसमें रिडल्स हैं और ये रिडल्स जो हैं रीडर के माइंड को बड़ा चैलेंज करती हैं और बताती हैं कि उस टाइम पर लोगों का जहन कितना प्लेफुल और इंटेलेक्चुअल हुआ करता था और हमारा लास्ट वर्क आ जाता है एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल तो इसको हम बेसिकली लिटरेचर का वर्क तो नहीं कह सकते ट्रेडिशनल सेंस में लेकिन एंग्लो एंग्लोसेन क्रॉनिकल जो है ये एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है और ये इंग्लैंड की हिस्ट्री बताता है उसके अर्ली टाइम से लेकर ट्वेल्व सेंचुरी तक और इससे हमें हिस्टोरिकल इवेंट्स की बहुत ज़्यादा मालूम मिलती है और उस वक्त लैंग्वेज किस तरह किस की इस्तेमाल की जाती थी उसका भी हमें पता चलता है तो ये जो लिटरेरी वर्कस हैं ये हमें उस वक्त का कल्चर उस वक्त का रिलीजन उस वक्त के सोसाइटल एस्पेक्ट्स वगैरह उनके बारे में बताता है और ओवरल जो ट्रेडिशन हुआ, हुआ करता था उस वक्त का उसके बारे में हमें पता चलता है फिर बाद में रिटर्न uh, लेगेसी के बारे में पता चलता है यानी कि फिर थोड़ा बहुत लोगों ने इसको मैंने स्क्रिप्ट के फॉर्म में उसको सेव करना शुरू कर दिया और फिर ये जो टाइम पीरियड है ये जो लिटरेचर है इसने फाउंडेशन रखी इंग्लिश लिटरेचर की जो रिच अब की ट्रेडिशन है उसकी तो अब हम आप इसको कंक्लूड कर लेते हैं एंग्लो सेक्सन पीरियड जो है इंग्लिश लिटरेचर में वो एक क्रशियल चैप्टर है इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेरी ट्रेडिशन की डेवलपमेंट में क्योंकि आज जिस भी लेवल तक लैंग्वेज या लिटरेचर पहुँचा इंग्लिश में स्टार्ट तो वहीं था ना बेस वही थी तो किस तरह से ये मुख्तलिफ़ ट्राइब्स की जबान मिलकर एक ज़बान बनी वो ओल्ड इंग्लिश के लाई फिर उसके बाद आगे हम देखेंगे इसमें और किस तरह से तब्दीलियाँ आती रही लेकिन लिटरेचर उस वक्त का किस तरह का था फिर वो स्टार्ट कैसा हुआ औरली हुआ फिर उसको कब बा, बाद में जो है ना मैनोस्क्रिप्ट की फॉर्म में तब्दील किया जाता रहा तो ये एक स्टार्ट है ठीक है ये उस वक़्त ही कल्चरल वैल्यूज़ दिखाता है उस वक्त सोसाइटी में क्या नॉर्म्स थे किस तरह से पैगन और क्रिश्चियन एलिमेंट उस लिटरेचर में वो बताया जाता है और जो इस पीरियड की लेगेसी है वो इसके थीम्स में देखी जा सकती है कि लैंग्वेज और लिटरेचर में इसके जो थीम्स हैं उसने कितना काम किया तो ओवरव्यू जो है इसका ये कवर कर लेता है जो हमने भी पढ़ा कि किस तरह से इसको हिस्टोरिकली हमने देखा लिंग्विस्टिक्स में हमने देखा इसकी जबान की किस तरह से डिवेलपमेंट हुई बाई टाइम फिर इसमें लिटरेरी तौर पर क्या काम हुआ उसमें क्या था इनके कल्चर में क्या था हमने वो चीज़ देखी रिलीजियसली क्या था पहले लोग बेगन्स थे फिर क्रिश्चियनिटी की एक ट्रांजिशन आई तो ये कंप्लीट एक डॉक्यूमेंट हो गया एंग्लो सेक्सन टाइम पीरियड के बारे में तो अगर आपका इसके हवाले से कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं दुआ में याद रखिएगा